हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी हरे मटर के पराठे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। कुकर को पहले हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच तेल। तेल को हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, वन फोर्थ चम्मच अजवाइन और मंगरेल, और 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम ही हरी मिर्च डालें, क्योंकि पराठों का टेस्ट हरे मटर का थोड़ा सा मीठापन में रहता है तो अच्छा लगता है। और अब मैं डाल दूंगी हरे मटर। तो इसे मैंने धो लिया था और धो के मैंने 250 ग्राम हरा मटर लिया है, जो कि मैंने इस कुकर में डाल दिया है। अब इसे मिला देंगे। तो यहाँ पे सब मिल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक स्वाद अनुसार डालें और कोशिश करें थोड़ा नमक कम ही डालें, क्योंकि हमें थोड़ा टेस्ट मीठेपन में बनेगा, पराठे तो अच्छे लगते हैं। और अब मैं डाल दूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का बना हुआ पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल तरीके से हमें इसे बनाना है। तो इन सब मसालों को मैं हरे मटर के साथ मिला दूंगी। मिलाते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट को भी अच्छे से मिला देना है और इसे हम 1 मिनट तक ऐसे ही भुनेंगे मिलाते हुए। अभी अच्छे से मिल गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1/2 कप या 1/2 कटोरी पानी ही डालना है। और डाल के इसे ढक देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 2 सीटी आने तक इसे हमें पकाना है, जिससे कि हरे मटर पूरे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 2 सीटी आ गई है, 1 सीटी और ये 2 सीटी। दो सीटी आने पे गैस बंद कर देना है और कुकर को ऐसे ही रख देना है कि जब तक वो अपने आप सारा गैस निकल के कुकर हल्का सा ठंडा ना हो जाए, तब तक हमें ढक्कन नहीं खोलना है। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है और अब मैं कुकर को वैसे ही रख दूंगी। अब यहाँ पे ठंडा हो गया है, सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है। तो अब चलिए ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हरे मटर्स का कलर भी चेंज हो गया है, कितने अच्छे से पक गया है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी बचा हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर पानी थोड़ा सा रह जा रहा है तो हम इसे फिर से गैस पे रख के इसका पानी हमें सारा सुखाना है, लेकिन ओपन ही सुखाना है। अब हमें सीटी नहीं लगाना है, ओपन ही मैं इसे धीरे धीरे पकाऊंगी जब तक कि इसका सारा पानी ना सूख जाए। तो धीरे धीरे पकाते हुए यहाँ देख सकते हैं कि सारा का सारा पानी सूख गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे ये हरे मटर का पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हरे मटर अब रेडी है। अब मैं एक मैशर से इसे मैश करूंगी, क्योंकि हरे मटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं 2 सीटी लगाने से। तो यहाँ पे आप जब मैशर से मैश करेंगे तो बहुत ही ईजिली मैश हो जाएगा। तो इसे थोड़ी सी मेहनत लगेगी मैश करने में, लेकिन आप धीरे धीरे मैश करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे बारीक होता जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये धीरे धीरे बारीक हो रहे हैं। अब मसाला इसमें 2 तरह का बनता है। कुछ लोग आधा ही मैश करके आधा खड़ा खड़ा मटर रखते हैं और कुछ लोग पूरा ही डिट्टो मैश कर देते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा ही मैश कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोनों तरीकों में से आपको जैसे थोड़ा खड़ा खड़ा हरा मटर रखना है तो आप थोड़ा सा मैश करें, पूरा मैश करना है तो पूरा करें, लेकिन टेस्ट में दोनों का सेम ही आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस देखने में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा का सारा हरा मटर मैश कर दिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बोल में। तो यहाँ पे देखिए पूरा एकदम सूखा मसाला है।
अगर हमने पानी नहीं सुखाया होता तो मसाला गीला हो जाता, तो इसीलिए पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मसाला बनके रेडी है, अब मैं इसे निकाल के एक बोल में अलग से रख दूँगी। इस मसाले को फ्रेंड्स आप फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख के भी बना सकते हैं, ये मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, साथ ही में इसके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मसाला बनके रेडी है, अब इसके पराठे हमें कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तब मैं इसे रख दे रही हूँ साइड में, और यहाँ पे मैंने आटा पहले से गूंथ के रख लिया था। इसके पराठा बनाने के लिए आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लोई भी बना के रख लिया था, अब इसे थोड़ा सा कटोरी का फॉर्म देंगे लोई को, क्योंकि इसके अंदर हमें हरे मटर का पेस्ट फिल करना है। 1 से 1.5 चम्मच जितना आप डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डाल के अब इस लोई को बंद करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा आटा लगाते हुए इसे हम बंद करेंगे, जिससे कि हाथों में बिल्कुल भी चिपके ना। तो यहाँ पे मैं लोई बंद कर ले रही हूँ, उसको राउंड करके एक हमने लोई फॉर्म कर ली है। अब इसे थोड़ा सा आटा लगा के हम हाथों से ही फैलाएंगे, जिससे कि जो अंदर का मसाला है वो चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो सके। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक बन के रेडी है पराठे के लिए, तो अब इसे मैं यहाँ रख दे रही हूँ। इसी तरीके से आपको बाकी जितनी लोई बनानी है, जितने पराठे बनाने हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे बड़ी बड़ी लोई रेडी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका टाइम भी कम लगेगा। यहाँ देख सकते हैं मेरा दूसरा लोई भी बन के रेडी है। अब मैं यहाँ पे इसको फैलाऊंगी, बेलूंगी, जिससे कि पराठे का एक फॉर्म दे सकूं। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए नहीं बेलना है, क्यों नहीं तो मसाला बाहर निकल सकता है। देखिए हल्के हाथों से इसे बेलते हुए मैंने एक पूरा पराठा बना लिया है। देखिए मसाला हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसे गरम तवे पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं गरम तवा रख दिया था, इसको अब एक बार पलट देंगे, और पलटने के बाद अब इस पर मैं लगा दूँगी घी। घी दोनों तरफ लगा के हमें इसे पलट पलट के सेकना है। तो ये देखिए पराठे कितने अच्छे बने हैं, फूलना भी स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पराठे आप बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि एक बार मैंने तवे पे डाल दिया है, फिर इसको पलट ले, दूसरे साइड घी लगा के फिर से पलट के फिर से घी लगा ले, और इसको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक ले। बहुत टेस्टी पराठे ये लगते हैं, आप एक बार खाएंगे तो आपके मुंह से छूटेगा नहीं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अब आप इसे चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, या फिर हरी चटनी के साथ, या अचार के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। ऐसे ही सिंपल रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।